हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2019 में आई मूवी जजमेंटल है क्या। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है बॉबी नाम की लड़की से, जो अपने मम्मी पापा को लड़ता हुआ देख रही थी। उसके पापा उसकी माँ को मार रहे थे और ये देख कर बॉबी काफ़ी डर गई थी। अब एक दिन होली का त्यौहार था और सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, तभी बॉबी देखती है कि आज फिर से उसके पापा उसकी माँ को मार रहे थे। इसलिए बॉबी अपनी माँ को बचाने के लिए जाती है, लेकिन गलती से वो अपने पापा को धक्का देती है। उसके पापा ने उसकी माँ का हाथ पकड़ा था, जिसकी वजह से वो दोनों ही टेरेस से नीचे गिर जाते हैं और उन दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद 20 साल बीत जाते हैं और हम बॉबी को देखते हैं, जो अब बड़ी हो गई थी। बॉबी एक वॉइस आर्टिस्ट है और डबिंग का काम किया करती थी। उसका एक खास दोस्त है वरुण, जो कि बॉबी को पसंद करता है और उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है, लेकिन बॉबी को वरुण में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। यहाँ पर बॉबी की बातों से पता चलता है कि वो थोड़ी सी अजीब थी। एक्चुअली बॉबी साउथ इंडियन मूवीज़ की डबिंग किया करती थी, लेकिन जब भी वो किसी मूवी की डबिंग करती तो वो उस कैरेक्टर में खो जाती, जिसके बाद बॉबी उस कैरेक्टर की तरह अपना लुक बनाती और अपने फ़ोटोज़ क्लिक करवाती। एक दिन जब बॉबी किसी मूवी की डबिंग कर रही थी, तभी उसके सर आते हैं और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। अब बॉबी इससे इतना गुस्सा हो जाती है कि वो उनके ऊपर चाकू से हमला करती है, जिसके बाद बॉबी को सज़ा होती है कि या तो उसे 50,000 रुपये भरने होंगे या 1 महीने के लिए मेंटल असाइलम में जाना होगा। और बॉबी सेकेंड ऑप्शन चूज़ करती है, जिसके बाद वो 1 महीने के लिए मेंटल असाइलम में रहने लगती है। लेकिन वहाँ पर भी बॉबी काफ़ी ज़्यादा खुश थी, उसकी हरकतों से ऐसा ही लगता था कि वो पागल है। बॉबी बाहर आने के बाद अपने दादाजी से मिलने जाती हैं। एक्चुअली दादाजी ही थे जो बॉबी के काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे। यहाँ पर दादाजी बॉबी को समझाते हैं कि वो इस तरह की हरकतें करना बंद करें। अगर वो आदमी उसके साथ कुछ कर रहा था तो बॉबी को वहाँ से निकलना चाहिए था, या तो उसे थप्पड़ मार देना चाहिए था। बॉबी ने उसे चाकू मारकर काफ़ी ज़्यादा गलत किया है, लेकिन बॉबी अपने दादाजी की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। तो दादाजी उसे बताते हैं कि बॉबी के घर में एक किराएदार आने वाले हैं और बॉबी उन्हें परेशान ना करे। अब ये सुनकर बॉबी पहले तो गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो अपने घर में किसी और को नहीं रखना चाहती थी, लेकिन दादाजी के कहने पर वो उनकी बात मान लेती है। बॉबी घर आकर अपना घर ठीक करने लगती है, तभी वो एक कपल को अंदर आता हुआ देखती है। वो लड़की बॉबी को बताती है कि उसका नाम रीमा है और उसके हस्बैंड का नाम केशव है और उन्हीं को घर रेंट पर दिया था। अब बॉबी उनसे ज़्यादा बात नहीं करती और अंदर चली जाती है। तो वही रीमा और केशव की बातों से पता चलता है कि उनके घर में कुछ काम चल रहा था, जिसकी वजह से वो 1 मंथ के लिए इस घर में शिफ्ट हो गए थे। जिसके बाद हम केशव और रीमा को देखते हैं, जो कि बहुत ही रोमांटिक कपल था। ऐसा लगता था कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो वही बॉबी भी छुप छुप कर उन्हें देखा करती थी। ऐसा लग रहा था कि बॉबी को केशव पसंद था, इसलिए वो बार बार केशव को देखती रहती और केशव ने भी ये बात नोटिस कर ली थी। साथ ही बॉबी को आदत थी कि वो न्यूज़ को कट करके रखती थी। एक्चुअली बॉबी न्यूज़पेपर में से उन्हीं न्यूज़ को कट करती जहाँ पर हस्बैंड ने वाइफ के साथ कुछ गलत किया हो। जिसके बाद बॉबी जब अपनी मूवी की डबिंग करने जाती है, तो वो मूवी हॉरर मूवी थी, जिसमें एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को मार दिया था। और जब बॉबी उस मूवी की डबिंग कर रही थी, तो उसे उस हस्बैंड में बार बार केशव नजर आ रहा था। और ये देख कर बॉबी को ऐसा ही लग रहा था कि केशव रीमा को मारना चाहता है, इसलिए वो केशव पर कंटिन्यूसली नज़र रखने लगती है। एक दिन बॉबी देखती है कि केशव रात में फ्यूज़ के साथ कुछ कर रहा था, इसलिए बॉबी जाकर उससे पूछने लगती है कि वो अभी यहाँ पर क्या कर रहा था। तो केशव कहता है कि उनके घर की लाइट चली गई थी, इसलिए वो फ्यूज़ चेक करने के लिए आया था। लेकिन बॉबी को केशव पर बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा था। तो वही अगले दिन रीमा बॉबी को डिनर के लिए इनवाइट करती है, जिसके बाद बॉबी वहाँ पर जाती है और केशव को उसके काम के बारे में पूछने लगती है। तो केशव बताता है कि वो पेस्टिसाइड में जॉब करता है। साथ ही केशव ये भी बताता है कि वो ना तो नॉनवेज खाता है और ना ही स्मोकिंग करता है। अब ये सुनकर बॉबी काफ़ी शॉक थी, क्योंकि केशव अपनी वाइफ के सामने कह रहा था कि वो स्मोकिंग नहीं करता, लेकिन बॉबी ने उसे स्मोकिंग करता हुआ देख लिया था। अब दूसरे दिन बॉबी केशव के पेस्टिसाइड ऑफिस में जाती है और वहाँ पर जाकर केशव को देखने लगती है। तो वो देखती है कि केशव वहाँ पर नॉनवेज खा रहा था, जबकि उसने रीमा से कहा था कि वो नॉनवेज नहीं खाता। ये देखकर बॉबी काफ़ी शॉक थी। वो वहाँ से एक पेस्टिसाइड का कैन लेती है और भाग जाती है, क्योंकि केशव ने उसे देख लिया था। तो वही केशव भी बॉबी की इन हरकतों से तंग आ गया था
इसलिए वो फैसला करता है कि वो जल्दी से घर चेंज कर देगा। लेकिन उसे कोई घर नहीं मिल रहा था, इसलिए केशव काफी परेशान था। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो रीमा को लेकर लोनावला जाएगा ताकि वो वहां पर क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। लेकिन जैसे ये बात बॉबी को पता चलती है तो वो वरुण से कहती है कि वो उसके साथ रोमांस करना चाहती है, लेकिन मुंबई में नहीं बल्कि लोनावला के रिजॉर्ट में। अब ये सुनने पर वरुण भी उसके साथ आने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद बॉबी रीमा से कहती है कि वो चारों साथ में ही लोनावला जाएंगे। अब ये सुनकर केशव काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो रीमा के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। तो वही बॉबी को शक था कि कहीं केशव रीमा को मार ना दे। जिसके बाद वो लोग ब्रेक के लिए रुकते हैं तो बॉबी देखती है कि केशव रीमा को हक कर रहा था, लेकिन पीछे से ट्रक आ रहा था और रीमा का ध्यान नहीं था। बॉबी जब ये देखती है तो वो जोर से चिल्लाती है और केशव रीमा को खींच लेता है, जिसकी वजह से रीमा की जान बच गई थी। लेकिन बॉबी जाकर रीमा को बताती है कि उसका हस्बैंड उसे मारना चाहता है। अब ये बात सुनकर रीमा काफी शॉक थी और वो बॉबी को वहीं पर छोड़कर चली जाती है। जिसके बाद बॉबी जब अपने घर वापस आती है तो उसे पता चलता है कि रीमा की मौत हो गई थी, और ये सुनकर बॉबी काफी शॉक थी। बॉबी पुलिस वालों को बताने लगती है कि केशव ने रीमा को मारा होगा, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था क्योंकि रीमा की मौत जलकर हुई थी और ऐसा लग रहा था कि गैस की वजह से रीमा के घर में आग लग गई और उसकी मौत हो गई। तो वही केशव रीमा की मौत से बहुत ज्यादा दुखी था और वो बॉबी को समझाता है कि वो इस तरह से उस पर ब्लेम करना बंद कर दे। लेकिन बॉबी उसकी बात नहीं सुनती और कंटिन्यूसली पुलिस वालों को बताने लगती है कि केशव ने रीमा को मारा है। लेकिन पुलिस वालों को बॉबी के घर में वो पेस्टिसाइड का कैन मिलता है जो कि पूरी तरह से खाली था। ये देखकर पुलिस वालों को बॉबी पर भी डाउट आने लगता है। तभी उन्हें पता चलता है कि बॉबी मेंटली सीक थी। एक्चुअली बॉबी को एक बीमारी थी जिसके अंदर उसे ऐसा ही लगता था कि जो भी वो सोचती है वही सच है। साथ ही बॉबी के पापा भी उसकी माँ को मारा करते थे, जिसकी वजह से बॉबी के दिमाग पर बचपन में ही असर हो गया था। जिसके बाद बॉबी ने इस तरह के न्यूज कलेक्ट करना भी स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से उसे ऐसा ही लग रहा था कि केशव ने रीमा को मारा था। इसलिए पुलिस वाले इस केस को क्लोज कर देते हैं और उसे एक एक्सीडेंट बताते हैं। जिसके बाद बॉबी काफी गुस्सा होने लगती है और वो पुलिस वालों को डांटने लगती है कि वो लोग केशव को अरेस्ट कर ले। ये देखकर पुलिस वाले समझ जाते हैं कि बॉबी की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए वो उसे मेंटल असलम में भेज देते हैं और वहां पर बॉबी की काफी ज्यादा ट्रीटमेंट होती है। 3 साल बॉबी मेंटल असलम में ही बिताती है। जब बॉबी वहां से बाहर आती है तो वो अपने दादाजी के कहने पर अपनी कजिन मेगा के पास लंदन चली जाती है। वहां जाने पर उसे पता चलता है कि मेगा प्रेग्नेंट थी। मेगा की शादी हो गई थी लेकिन इस बारे में बॉबी को कुछ भी पता नहीं था। अब बॉबी वहां पर भी मेगा के साथ रहना नहीं चाहती थी, इसलिए मेगा उसके लिए एक दूसरा घर रेंट पर ले लेती है ताकि बॉबी वहां पर आराम से रहे और उसके पास भी आती जाती रहे। जिसके बाद बॉबी घर जाती है और रेडी होने लगती है क्योंकि आज मेगा ने उसे डिनर के लिए इन्वाइट किया था। लेकिन जब बॉबी रेस्टोरेंट में जाती है तो वो देखती है कि मेगा का हस्बैंड कोई और नहीं बल्कि केशव था और मेगा उसे श्रवण नाम से बुलाती थी। ये देखकर बॉबी काफी शॉक थी। वो केशव से पूछती है कि क्या मेगा को रीमा के बारे में पता है, तो केशव बताता है कि मेगा को उसके बारे में सब कुछ पता है। साथ ही केशव ये भी बताता है कि उसका पूरा नाम केशव कुमार श्रवण है और मेगा उसके बारे में सब कुछ जानती है। जिसके बाद केशव मेगा को बताता है कि वो रीमा के साथ जिस घर में रहता था उसकी लैंडलॉर्ड बॉबी थी। जिसके बाद बॉबी रीमा को बताने की कोशिश करती है कि मेगा की मौत एक्सीडेंट में नहीं हुई थी बल्कि उसका मर्डर हुआ था, लेकिन मेगा उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। वो बॉबी से कहती है कि वो काफी डिस्टर्ब है, इसलिए मेगा उसे अपने थिएटर लेकर जाती है ताकि बॉबी वहां पर काम करे और उसका मन लगा रहे। वहां जाने पर बॉबी की मुलाकात उस प्ले के डायरेक्टर श्रीधर से होती है। श्रीधर बॉबी को बताता है कि वो मॉडर्न रामायण पर प्ले करने वाले हैं और वो चाहता था कि सीता के डबिंग बॉबी करें, लेकिन ये सुनकर बॉबी इसके लिए मना कर देती है क्योंकि बॉबी का कहना था कि अब वो डबिंग काम नहीं करना चाहती, वो यहाँ पर एक्टिंग करने के लिए आई है इसलिए वो बस वही करेगी। लेकिन जब बॉबी सीता के डायलॉग सुनती है तो वो काफी मोटिवेट हो जाती है और इस काम के लिए हाँ कहती है। अब ये सुनकर मेगा भी काफी खुश थी क्योंकि श्रीधर और बॉबी की काफी अच्छी दोस्ती हो रही थी। लेकिन बॉबी को अभी भी केशव पर डाउट था, इसलिए वो केशव के रूम की तलाशी लेने लगती है। लेकिन तभी वहां पर केशव आता है और बॉबी को पकड़ लेता है। जिसके बाद केशव मेगा को बताता है कि जब वो रीमा के साथ रहता था तो बॉबी उसे स्टॉक किया करती थी। ऐसा लगता था कि वो केशव से ऑब्सेस्ड है और केशव कहता है कि यहाँ पर भी बॉबी उसी तरह से बिहेव करती है।
ये देख कर केशव काफी डर गया था कि कहीं इस बार भी बॉबी कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। इसलिए वो मेघा से कहता है कि वो बॉबी से दूर रहे, लेकिन मेघा केशव की बातों पर यकीन नहीं करती क्योंकि उसे लगता है कि बॉबी भले ही थोड़ी सी नासमझ है लेकिन वो ऐसा कभी भी नहीं करेगी। तो वही केशव वरुण से कॉन्टेक्ट करता है और वरुण से कहता है कि वो बॉबी के घर जाकर तलाशी लें, जिसके बाद वरुण वैसा ही करता है और उसे बॉबी के घर पर बॉबी और केशव के फोटोज मिलते हैं जो बॉबी ने फोटोशॉप करवाए थे। एक्चुअली वो फोटोज केशव और रीमा के थे, लेकिन बॉबी ने वहां पर अपना चेहरा लगवाया था। ये फोटो जब केशव मेघा को दिखाता है तो मेघा भी काफी शॉक थी। उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि बॉबी ऐसा कुछ कर सकती है, इसलिए केशव मेघा से कहता है कि वो दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। लेकिन मेघा कहती है कि बॉबी उसकी कजिन है, वो उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, इसलिए वो केशव से कहती है कि वो सब कुछ हैंडल कर लेगी। तो वही बॉबी को बार बार लग रहा था कि केशव मेघा को मार देगा, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा टेंशन में थी। उसे बार बार केशव इमेजिन होता और ऐसा लगता कि वो मेघा को मार देगा। इसी चक्कर में वो एक लाइट को धक्का देती है और वो लाइट नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से एक लड़की को चोट लग गई थी। ये देखकर बॉबी काफी डर जाती है और वहां से भाग आती है। बॉबी श्रीधर को कॉल करके उस लड़की के कंडीशन के बारे में पूछती है, तो श्रीधर उसे बताता है कि वो लड़की ठीक है और बॉबी वापस आ जाए, लेकिन बॉबी वापस आने से मना करती है। लेकिन तभी बॉबी को रामायण के कैरेक्टर्स दिखाई देने लगते हैं, जो बॉबी से कह रहे थे कि उसे सिचुएशन से नहीं भागना चाहिए बल्कि उसका सामना करना चाहिए। अब ये बातें सुनकर बॉबी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो केशव के बारे में पता कैसे करे। तो वही लोग उसे कहते हैं कि सबसे पहले बचपन में झांको, वहीं से सब कुछ पता चलेगा। जिसके बाद बॉबी केशव के बारे में डिटेल में जानने लगती है और उसे पता चलता है कि केशव पहले ऑर्फनेज में रहता था, लेकिन जब केशव छोटा था तो उस ऑर्फनेज में आग लग गई थी जिसमें 9 बच्चे मारे गए थे। जब बॉबी उन बच्चों का नाम चेक करती है तो उसमें केशव का नाम भी था, साथ ही श्रवण कुमार नाम का भी एक नाम था। ये देखकर बॉबी काफी शॉक थी, जिसके बाद बॉबी उन सारे नामों को चेक करने लगती है और उसे पता चलता है कि उस नामों में यूसुफ नाम का भी एक नाम था जिसकी वाइफ की मौत हुई थी। और ये देखकर बॉबी काफी शॉक थी कि अगर उस ऑर्फनेज में केशव और श्रवण कुमार नाम के दोनों लड़कों की मौत हुई थी तो फिर ये कौन है। जिसके बाद बॉबी बहुत ज्यादा रिसर्च करती है और सीता का गेटअप लेकर मेघा के घर चली जाती है। वो मेघा को एक कुर्सी से बांध लेती है कि तभी वहां पर केशव आ जाता है। बॉबी केशव को धमकाती है कि वो उसे सच बताए, नहीं तो वो बॉबी को मार देगी। बॉबी को लगा था कि ये सुनने के बाद केशव उसे सब कुछ सच बताने लगेगा, लेकिन केशव बॉबी को बहुत ज्यादा पीटने लगता है, जिसके बाद केशव कहता है कि वो खुद ही मेघा को मार देगा। और ये सुनकर मेघा भी काफी शॉक थी, जिसके बाद केशव उन्हें बताता है कि वो एक ऑर्फनेज में रहता था जहाँ पर उसने आग लगा दी और उस आग में 9 बच्चे जलकर मर गए। और मरने से पहले जब वो बच्चे चीख रहे थे तो उनकी चीखें सुनकर उसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, जिसके बाद उसने उन 9 बच्चों की आईडी चुराई और उनके नाम पर ये सारे क्राइम करता रहा। वो एक बार यूसुफ बन गया और उसने अपनी वाइफ को मार दिया। उसकी वाइफ भी जब चीख रही थी तो उसने वो रिकॉर्ड कर लिया क्योंकि उसे वो सुनने में बहुत ज्यादा मजा आता था। जिसके बाद वो केशव बना और उसने रीमा से शादी कर ली, लेकिन रीमा को भी उस पर डाउट हो गया था। लेकिन तभी केशव ने देखा कि बॉबी ने गलती से रीमा के ऊपर पेस्टिसाइड डाल दिया था। तभी वहां पर केशव आ गया और उसने रीमा को आग लगा दी, जिसके बाद रीमा चीखने लगी और केशव ने उसे भी रिकॉर्ड कर लिया ताकि वो उसे सुनकर उसके मजे ले सके। अब केशव कहता है कि वो मेघा को भी मार देगा और मेघा प्रेग्नेंट है इसलिए उसकी चीखें और ज्यादा अच्छी होगी। अब केशव वहां पर आग लगाने लगता है कि तभी बॉबी जाग जाती है। वो केशव को पीटने लगती है और वो फिर से बॉबी को मारने की कोशिश करता है। तभी हम मेघा को देखते हैं जिसके पैर खुल गए थे और वो उस पैर से पेट्रोल के कैन को केशव के पास ढकेलती है, जिससे केशव को आग लग जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तभी वहां पर श्रीधर और बाकी लोग भी आते हैं क्योंकि बॉबी ने उन्हें वहां पर बुलाया था। वो लोग जब ये सब देखते हैं तो वो काफी ज्यादा शॉक थे। तो वही मेघा बॉबी को थैंक्स कहती है क्योंकि बॉबी की वजह से ही मेघा की जान बच गई थी। जिसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और हम बॉबी को देखते हैं जो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश थी। बॉबी कहती है कि काफी लोग उसे पागल कहते हैं, लेकिन उसकी लाइफ जैसी भी है वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी जजमेंटल है क्या मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।